For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. जी, मेरा नाम प्रोफेसर रजाउर रहमान है. मैं अभी डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एज ए मेरिटोरियस प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ, और रिटायर होने के बाद अब मैं कारवान हयात में एज ए डायरेक्टर एकेडमिक्स और रिसर्च जो है वहाँ पे सर्विसेज अंजाम दे रहा हूँ. मैंने MBBS 1985 में किया था, उसके बाद FCPS मैंने 2002 में किया था, और FCPS सेक्रेटरी में करने के बाद मैंने 2008 में मेडिकल एजुकेशन में पहले डिप्लोमा किया और उसके बाद मास्टर्स किया. तो मैं क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट और मेडिकल एजुकेशनिस्ट रहा हूँ डॉ यूनिवर्सिटी के अंदर. डिप्रेशन के मरीज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा नाउम्मीदी और मायूसी में चले जाते हैं कि वो कई दफ़ा इस उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा आप इससे कीजिए कि वो अपने हाथ से अपना ही गला काट लेते हैं, अपने हाथ से अपनी ही ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं. तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी शिद्दत के थोड़ा सा आप एहसास करें. और ये वो बीमारी है जिससे 90% मरीज़ों को आप 100% ठीक कर सकते हैं, और 10% जो ठीक नहीं भी होते उनको बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं, जिसमें दवाओं का भी रोल है, जिसमें दवा के अलावा लाइफस्टाइल का भी रोल है, और जिसमें साइकोथेरेपी काउंसलिंग का भी है. तो ये सब चीज़ें हमें एडवाइस करें. इसी तरह से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एनजाइटी का शिकार है, और हमारे माशरे में एनजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है. कोई प्रॉपर एक तो बदकिस्मती है कि कोई रिसर्च नहीं हुई, और जो रिसर्च अभी ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकेट्री में 2005 में पाकिस्तान के बारे में एक रिव्यू आर्टिकल छपा है, उसके मुताबिक 33% है, 33%, जबकि दुनिया में ये 5-7%, इसका मतलब 4-5 गुना ज़्यादा है हमारी यहाँ बीमारियाँ. अब पहली दफ़ा ये हो रहा है कि मैं अपनी टीम के साथ मिलकर एक नेशनल साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी सर्वे को लीड कर रहा हूँ, और ये नेशनल लेवल पे हम करा रहे हैं, और अगर इसके रिज़ल्ट आ गए तो उसके ज़रिए हम बहुत हद तक इन चीज़ों की डाटा जो है वो सोसाइटी में ले आएंगे. बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिसके बारे में लोग अवॉइड करते हैं साइकेट्री में आते हुए, और वो मरीज़ बेसिकली साइकोटिक पेशेंट कहलाते हैं, जिनको उर्फ़ आम में हम पागलपन का वो कहते हैं. ये मरीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, मगर इनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, चलते फिरते इश्तहार होते हैं, कोई भी देख के पहचान लेता है, और उन्हीं की वजह से ये स्पेशलिटी मशहूर है. और इस तरह के मरीज़ जो हैं वो बहुत समझें आटे में नमक के बराबर होते हैं साइकेट्री में. ज़्यादातर मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, जो सोसाइटी में रह रहे होते हैं. अब इन मरीज़ों की वजह से वो मरीज़, क्योंकि डॉक्टर मशहूर हैं, ये स्पेशलिटी मशहूर पागलों की है, तो लोग अवॉइड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. 99% ऐसे लोग होते हैं जिनको के एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, जिनको हेल्प किया जा सकता है और बहुत हद तक उनको मदद कर सकते हैं. ऑब्सेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये समझें कि देखने वाले को मरीज़ हट्टा कट्टा लगता है, मगर वो मरीज़ अजाब में होता है, वो उसको समझ नहीं आता, वो अपनी थॉट्स की वजह से मजबूर होता है. मिसाल के तौर पे अगर उसको ये ख्याल आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे, तो वो बार बार जाके धोएगा. अब कितना ही उसको समझा ले, उसको भी पता है कि ये गलत है, मगर वो अपने आप को रोक नहीं पाता. और उसके मैं शिद्दत बता दूं कि इतना धोता है कि कई दफ़ा मरीज़ मैंने देखे जिनकी खाल तक उतर जाती है, इतना धोते हैं वो हाथों को, या जहन में इस तरह के गलत किस्म के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं. फिर बहुत सारी दफ़ा घर में मुआशरे में ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे स्ट्रेस हो जाता है. जब स्ट्रेस हो जाता है तो उस स्ट्रेस की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, और फिर उस परेशानी में हम बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होंगे, एंजाइटी में, डिप्रेशन में होंगे, तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो भी ख़राब हो जाएगी. आप यकीन कीजिए कि आपकी फैसला करने की क़ुव्वत ख़राब हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाएगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ख़राब हो जाएगी. देखा यह गया है कि जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में होते हैं वो एक्सीडेंट्स ज़्यादा करते हैं. तो ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं. बहुत सारी जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं उससे हमें मरीज़ों को बचा सकते हैं कि जितना जल्दी हम ले आए. एक जो पॉइंट मैं आपके तवस्सुत से जो कहना चाहूँगा वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मरीज़ को जितना जल्दी इलाज करेंगे उतना ही वो मरीज़ ज़्यादा रिकवर होगा, और जितना उसको डिले करेंगे, चाहे कोई भी साइकेटिक बीमारी हो, तो उसके ब्रेन में स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो जाती हैं, और फिर जितना लेट होता चला जाएगा उतना ही वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होता चला जाएगा, और उतना ही उसका इलाज मुश्किल से मुश्किल
होने लगेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है दवाओं का है, दवाओं से ज़्यादा रोल है आपके एनवायरनमेंट का। तो आप एनवायरनमेंट को अगर अच्छा रखेंगे, हेल्थी एनवायरनमेंट रखेंगे, घर में इंट्रैक्शन रखेंगे, जिस वक्त वो बीमार हैं अगर उसको घर वाले थोड़ी सी एक रिलीफ दे देंगे, थोड़ा सा उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो बहुत हद तक ये मरीज़ बेहतर हो जाते हैं। और इलाज से तो 100% ही बेहतर हो जाते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में अपने करीबी किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से मिलें और वो बहुत तक हद तक आपको हेल्प कर देंगे, जिससे आप इन बीमारियों से बच सकेंगे। जहाँ तक नफसियाती बीमारियों का ताल्लुक़ है, कि ये मेरा इंटरेस्ट इसमें इसलिए डेवलप हुआ कि ये वो पॉपुलेशन है जहाँ पे मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा जो डिप्राइव्ड हैं और जिनको बहुत कम तवज्जो दी जाती है, तो ये चीज़ मुझे इस तरफ लेके आई। और ये वो मरीज़ हैं जिनके लिए मैं ये कहूँगा कि जिनसे मोहब्बत करनी चाहिए और जिनको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। और ये वो मरीज़ हैं जिनकी तकलीफ़ जो है जिसका अंदाज़ा वो मरीज़ के अलावा देखने वाले नहीं कर सकते कि वो किस अजाब से गुजर रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए। और मेरा मैसेज ये है कि फैमिली के लिए भी ये है कि डेफिनेटली उनको बहुत बड़ा सवाब मिलता है जो इन मरीज़ों की केयर करते हैं और इन मरीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है उसका कोई मैच नहीं है। मैंने रिसर्च कराई है, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये देखा है कि एक्सरसाइज से वो सारे केमिकल जो हम दवाओं से बढ़ाते हैं वो एक्सरसाइज से भी बढ़ जाते हैं। तो एक तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, नेचर से करीब रहें, एक ही वक्त पे सोएं, एक ही वक्त पे उठें, एक ही वक्त पे खाना खाएं और रात में सोएं। प्लीज़ बस इसको समझें, इस्लाम से जुड़े रहें, नमाज पढ़ें, नमाज का फ़लसफ़े को समझें, ज़िंदगी में तरतीब पैदा करें। 5 दफ़ा अल्लाह मियां कहता है तरतीब पैदा करें। नमाज के ज़रिए उसने बता दिया है नेचर का लॉ क्या है। सोने एक नमाज सोते वक्त रखिए, एक नमाज उठते वक्त रखिए, आपको बता दिया है सोने का टाइम। पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ लोग ये फॉलो करते हैं। मैं रात 9 बजे के बाद आप अमेरिका में या इंग्लैंड में किसी के घर जाएँ कि मैं आ रहा हूँ तो मना कर देते हैं, ना आए हम सो रहे हैं। वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, तो दूर दूर जाना होता है, जल्दी आके सोते हैं। फिर हफ्ता इतवार 2 दिन वो अगर वो गड़बड़ ना करें तो वो बहुत अच्छे ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसको फॉलो करें, गैजेट्स का इस्तेमाल को जितना कम से कम कर सकते हैं कम करें, उनसे दूर रहें, कम्युनिकेट करें। किसी को मैसेज करने के बजाय उसको फ़ोन कर लें, घर में अपने बच्चों से उनसे मिलें। और एक बात और बताऊं कि ये जो हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं लाशौरी तौर पे हमारे बच्चे ये सब चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो हम जब अगर ख़ुद हेल्थी लाइफ स्टाइल नहीं अपनाएंगे तो डेफिनेटली यकीन कर लीजिए कि हमारे बच्चे भी हेल्थी लाइफ स्टाइल नहीं अपनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।